अब दिल्ली नहीं है दूर, क्योंकि अब दिल्ली की सुविधाएं मिलेंगी आपको अपने शहर आगरा में। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुष्मान हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, जहां आपको मिलती है दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर संजीव यादव व उनकी टीम के निर्देशक में ढेर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक्सीडेंटल एंड ट्रोमा केयर सेंटर, हार्ट केयर सेंटर, न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पेट आंत लीवर गुर्दा रोग क्लिनिक, दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, स्त्री रोग व बांझपन विशेषज्ञ। एड्रेस सिकंदरा बोडला रोड, भावना मल्टीप्लेक्स के सामने, सिकंदरा आगरा। कॉन्टेक्ट नंबर 9719272225। सिखों के 10वें गुरु धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में बुधवार को पूरे देश के साथ साथ आगरा में भी बड़े धूमधाम के साथ गुरुद्वारों में मनाया। इस पावन पर्व के मौके पर गुरुद्वारा दशमेश दरबार, शहीद नगर, विभव नगर, सरबंज दानी, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के प्रकाश पर्व की खुशी में गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सजाया। भव्य सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीवान सुखमणि सेवा सभा के रागीगण वीर महेंद्र पाल सिंह, देवेंद्र पाल सिंह ने गुरु प्यारी संगतों को इलाही वाणी कीर्तन कथा सुना, गुरुओं के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ज्ञानी मनसा सिंह जी द्वारा गुरु का हुकनामा अरदास के बाद सभी धर्म प्रेमियों ने अटूट लंगर प्रसाद ग्रहण किया। प्रधान नरेंद्र सिंह सेठी ने गुरुद्वारे में आई संगतों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस मौके पर रविंद्र सिंह ओबरॉय, रविंद्र पाल सिंह सेठी, गुरु सेवक श्याम भोजवानी, संतोख सिंह, गुरमीत सिंह सेठी, त्रिलोचन सिंह, हरपाल सिंह, कमल सुखवीर सिंह कोहली, अशोक अरोड़ा सहित सैकड़ों महिला संगत बच्चे कीर्तन दरबार में मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र पाल सिंह, सुखमणि सेवा सभा आगरा। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। हाँ जी, आज साहिब कमाल महान सरबंस दानी खालसा पंथ के सिरजनहार दसम गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने धर्म की खातिर अपने माता पिता पुत्रों का बलिदान दिया और जुल्म के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहे और एक नए पंथ की स्थापना इस संसार में की जो सर्वत के भले की सोच रखता है। सो ऐसे प्यारे सदगुरु धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का आज पावन प्रकाश दिन है, जिनका जन्म पटना की पावन धरती पर पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी के घर और माता गुजरी जी की कोख से हुआ था। ऐसे प्यारे सदगुरु जी का प्रकाश पूर्व आज सारे संसार में हम लोग मना रहे हैं और जो हमें उन्होंने सच्चा सुच्चा जीवन जीने की जो हमें प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को आज हम सभी अपने हृदय में बसाएं, आत्मसात करें, यही खुशियां मनाने का हमारा सबसे बड़ा एक प्रण होगा। सो मैं चाहूँगा इस पावन पूर्व पर कोई ना कोई प्रण गुरु की मत हृदय में धार के जाए ताकि ये पूर्व मनाने हमारे सफल हों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमीत सिंह सेठी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज शहीद नगर विभव नगर गुरुद्वारा साहिब में जहाँ पर आप खड़े हैं, साहिब कमाल सरबंस दानी तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पावन प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें अनेक लोग यहाँ पर संगत गुरु नाम लेवा साध संगत, जिसमें सिख समाज, सिंधी समाज, पंजाबी समाज, सारे ही गुरु नानक नाम लेवा साध संगत सुबह से ही गुरुवाणी कीर्तन द्वारा निहाल हो रही है, जिसमें आगरा के प्रमुख रागी सिंह पैसा पाई वीर महेंद्र पाल सिंह द्वारा संगतों को कीर्तन द्वारा निहाल किया गया। उनके मुखार बिंदु से संदेश दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए मार्ग पर हम सभी को चल के आगे बढ़ना है और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिख धर्म की स्थापना भी की थी और ऐसे कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज का पावन प्रकाश आज संगतें मना रही हैं। घर घर में खुशियाँ हो रही हैं, दीप जल रहे हैं और हर जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, गुरुवाणी गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। प्रसाद अटूट लंगर गुरु का चल रहा है और हजारों की संख्या में आ रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहेब कमाल धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी साहेब जी का प्रकाश पर्व आगरा ही नहीं पड़े विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आगरा में गुरुद्वारा दशमेश दरबार, शहीद नगर, विभव नगर पर आप देख रहे हैं सुबह अमृत वेले से किस तरीके से संगतों का सैलाब उमड़ रहा है। सिर्फ यही कि सरवंश दानी, जिन्होंने अपना पूरा सरवंश सभी धर्म की खातिर लुटा दिया, आज वैसे गुरुओं का हमारे प्रकाश पर्व है। जिन्होंने पटना साहब में उनका जन्म हुआ था, आज उनके प्रकाश पर्व पर यहाँ पे सुबह से ही इलाही वाणी का सिमरन शब्द गुरबाणी कीर्तन से भाई वीर महेंद्र पाल जी संगतों को निहाल कर रहे थे। आज हम लोग वाकई
नतमस्तक होके अपने गुरुओं को नमन करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ऊट आसरा लेके हर गुरुद्वारे जा रहे हैं और मत्था टेके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।